रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़े की एक अच्छी सी रेसिपी ऑरेंज चिकन हम लेके आए हैं आपके लिए। और देखिए कितना मज़े का, और आपके साथ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अंदर तक और बहुत ही मज़े का, ये देखें बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा ये चिकन तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी है, आप इसको बना के खाएं और शाबाशी मेटे। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है ऑरेंज चिकन, और इसकी इफादियत भी बहुत ज़्यादा है। तो व्यूवर्स आइए हमारे साथ मिलके ये रेसिपी साथ ही बनाते हैं ऑरेंज चिकन की। तो देखते हैं कैसे बनता है ऑरेंज चिकन। जी व्यूवर्स, ऑरेंज चिकन बनाने के लिए मैंने लिए ये जस्ट पीस है, इस तरह से मैंने इसको टक लगा लिए, ये दो लिए मैंने इस तरह से टक लगा लिए। अब हम इसमें काली मिर्च इस तरह से छिड़क देंगे, दोनों साइड पे इस पे हम काली मिर्च थोड़ी थोड़ी इस तरह छिड़केंगे। व्यूअर्स काली मिर्च मैंने इस पे छिड़क दी है। अब हम थोड़ा सा नमक, आपको जितना पसंद हो, वैसे मैं थोड़ा सा जैसे चुटकी में लेते हैं नमक, इस तरह से इतना सा ही इस पे लगा रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है ऑरेंज चिकन। आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी, और आप इस तरह से खा के बना के खाइएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी। दोनों साइड पे काली मिर्च और नमक मैंने छिड़क दी है। व्यूअर्स जब भी आप चिकन धोएं, मैं फिर आपको बता रही हूँ एक बार कि जब भी आप चिकन धोएं तो इसको सिरका और नमक लगा के कम अज़ कम आधा घंटा रखें, फिर इसको धोएं, और उसका टेस्ट क्या बात है, मज़े का टेस्ट आता है। व्यूअर्स पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल गरम किया हुआ है और आंच को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए इसमें हम इस तरह से इसको डाल देंगे। व्यूअर्स असल रेसिपी जो है वो मिली हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा पीस जो है वो साइड में से बच गया है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके साथ ही इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसको फ्राई होने लेंगे हल्की आंच पर। व्यूअर्स हम इसको अब थोड़ा सा पलट के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका, इस तरह से ये छोटा सा जो इसका बच्चा सा है उसको भी पलट देते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत चिकन, ऑरेंज चिकन बहुत ही टेस्टी होता है। इधर हमें जो कुदरत की दी हुई चीज़ें हैं उनको खाना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए, बीमारियों से हमारा बहुत बचत हो जाती है हमारी। इधर दूसरी साइड, वाह क्या खूबसूरत लुक भी और मज़ेदार भी। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड कलर भी, देखिए बहुत खूबसूरत सा हो गया, गोल्डन गोल्डन का हो रहा है। अब हम इसमें दो ऑरेंज जूस डाल देंगे। ये दो ऑरेंज का मैंने जूस लिया, ये हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। वाह बहुत मज़ेदार। इवन आजकल ऑरेंज बहुत है बाजार में आया हुआ, आप पेट भर के खाएं इसको, तो बहुत सारे मज़े और अफादियत दोनों एक साथ हैं। कुदरत की बनाई हुई चीज़ों की तो क्या ही बात है। व्यूअर्स इसमें हमने ऑरेंज जूस डाल दिया, दो ऑरेंज का हमने जूस पूरा, यानी कि दो माल्ट जिसको बोलते हैं, वो डाल दिए। अब हम इसको कवर करके पकने देंगे। व्यूअर्स इसको हम पलटेंगे, ये देखिए यमी और बहुत ही टेस्टी ऑरेंज चिकन। अभी बस थोड़ा सा इसको और पकाना है ताकि जो इसका ऑरेंज है वो बिल्कुल खुशक हो जाए और दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाए। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का। अभी बस ये रेडी हो चुका है बिल्कुल ऑरेंज चिकन। अब इसको निकालते हैं डिश में और आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और अमेजिंग
जबरदस्त ऑरेंज चिकन तैयार है। आप इस तरह से बनाएं, इसका कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, इस तरह से बना के घर वालों को खिलाएं और खूब सारी शाबाशी समेटें। तो व्यूअर्स, इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।